स्कूटी वाले ऐसे हरकतें करते गए मुझे समझ नहीं आता भाई। जिस दिन भाई पिछली सीधा यमराज के गोदी में गिरोगे। समोर बगरे चुतिया गाइस, ये वाला ब्रिज क्रॉस करके ना अलग ही फील आता है। ऐसे लगता है ना कि हम लोग सिटी में एंटर हो रहे हैं। रोड ऐसा सीधा सीधा जा रहा है और दोनों तरफ देखो कितने बड़े बड़े टावर्स है। थर्ड लेन से आंटी सीधा टर्न मार रही है, क्या रहेगी बाबा बाबा। जब पता है वो साइड जाना है तो पहले लेन चेंज कर लो ना। हाँ लड़कियाँ कहाँ सुधरने वाली है, आई मीन पापा की परिया। बैड न्यूज, मेरा फोन का डिस्प्ले रिटर्न टूट गया, अभी अभी डलाया था मैंने। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइज कल सुबह गया था मैं मॉर्निंग राइड पे हम लोग के साथ, उसके बाद मैंने बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बनाया, मैं घर पे आया। अभी गाइज टाइम हो रहा है शाम के 4 और मैं जा रहा हूँ भाई को हॉस्पिटल लेके ठाणे में, क्योंकि महीना हो चुका है लास्ट विजिट के बाद से। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फॉलोअप के लिए, चेक करने की क्या ग्रोथ है, कितना डिफरेंस आया है, हड्डी जॉइंट हुई है कि नहीं हुई है और कितना रिकवर हुआ है, चेक करने के लिए जा रहे हैं फॉलोअप के लिए अभी हॉस्पिटल। तो हम लोग जाने वाले ठाणे में, आपको तो पता ही है कि भाई को वहीं पर एडमिट करा था, वहीं पर फॉलोअप के लिए चलते। और आज मैं राइड कर रहा हूँ अपने बीस्ट को विदाउट मिरर, और आपको पता है कि R15 है यार, बिना मिरर बहुत ज्यादा सेक्सी दिखती है यार, बहुत प्यारी दिखती है बाइक, और ना अलग ही फील आता है ऐसे चलाने को बाइक को। बट वही है कि थोड़ा ना प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होती है टर्न मारते समय, ओवरटेक करते समय, क्योंकि बिना मिरर जब आपको आदत लग जाए ना मिरर की, फिर आप बिना मिरर के चला ही नहीं सकते बाइक। अब मुझे आदत हो गई है ना मिरर के बिना मैं टर्न भी नहीं मारता, और थोड़ा मोटा बाइक यहाँ वहाँ करते समय भी ना मैं मिरर क्रॉस चेक करता ही करता हूँ, लेकिन अभी नहीं है ना, तो बहुत ज्यादा सोच के समझ के टेंशन लेके मैं थोड़ा मोटा बाइक को टर्न मारता हूँ। पर चलो कोई नहीं, एक दिन की बात है, मैंने मिरर थोड़ा निकाले थे कुछ काम के लिए। अभी हमें जाना तो है ठाणे में, लेकिन उससे पहले मैं चल रहा हूँ गाइस कल्याण वेस्ट अपने दोस्त के पास, हर्षल के पास। आपको पता है कि R15 E3 ना बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, और भाई का हाथ तो टूटा हुआ है तो उसको झटके लगने नहीं चाहिए, और R15 E3 में पता है पिलियन कम्फर्ट बिल्कुल भी नहीं है, बंदा फिसल के आगे आ जाता है। तो उसी लिए मैं इतना बाइक स्लो भी चला रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि उसको ज्यादा प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं अपने दोस्त से उसके एक्सपल्स लेने वाला हूँ। तो एक्सपल्स 200 लेके चलेंगे ठाणे में, अपने और उसके पास रख देंगे और उसकी बाइक लेके चलेंगे, थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। R15 E3 में तो कंफर्ट है ही नहीं भाई, आपको पता ही है कंफर्ट के लिए गाड़ी बनी नहीं है, बस एंजॉय के लिए बनी है ये बाइक। इसका सस्पेंशन ना गाइस काफी ज्यादा स्टिफ है, और पिछले वाली सीट पे तो ना जो शॉक नहीं है वो भी फील होता है, मतलब रोड पे एकदम छोटू सा पत्थर भी पड़ा होगा ना तो वो भी फील हो जाएगा पिछले वाली सीट पे। तो उसी लिए मैं अभी जा रहा हूँ अपने फ्रेंड के पास और उससे लूंगा उसकी बाइक और फिर चलूंगा ठाणे में। वैसे भी मैं अपनी बाइक को ऐसे ठाणे में लेके जा नहीं सकता बिना मिरर्स और नंबर प्लेट के, क्योंकि नंबर प्लेट भी लगी नहीं है, आपको पता ही रहेगा मिरर के साथ में ही लग जाते हैं अपने R15 E3 के नंबर प्लेट। वही मैंने मिरर भी निकाल रखे ना, तो नंबर प्लेट भी निकाली हुई है। पर कोई बात नहीं, हमें सिर्फ कल्याण तक ही जाना है अपने औरा से, और वहां से उसकी बाइक लेके फिर निकलना है। स्कूटी वाले ऐसे हरकतें करते गए मुझे समझ नहीं आता भाई। जब पता है सिटी उसके लिए बनी है, टायर छोटे आराम से चलना चाहिए, स्कूटी वाले बंदे इतना भयंकर भगाते ना टेढ़ा मेढ़ा करके। जिस दिन भाई पिछली सीधा यमराज के गोदी में गिरोगे। वैसे तो गाइस लास्ट टाइम मैं भाई को औरा पर ही लेके गया था, तो इस बार ना लेके जाने के पीछे दो रीजन है एक्चुअली में मेन। एक तो इसका डिस्कम्फर्ट लास्ट टाइम जो फील हुआ था, और इस टाइम पर तो इसके ना ऑयल सील भी गए हुए, आपको मैंने बताया था मुझे ऑयल सील बनाने हैं, मैं बस चक्कर मार रहा हूँ वर्कशॉप में, लेकिन वर्कशॉप चालू नहीं मिल रही। कल भी मुझे वर्कशॉप चालू नहीं मिली क्योंकि ठाणे से आते आते लेट हो गया था, ट्रैफिक आपको पता है कि बहुत ज्यादा रहता है भिवंडी बाईपास पे, तो उसी के चलते लेट हो गया था, आते आते मुझे 6 बज गए थे ऑलमोस्ट, तो उसी के चक्कर में ना गाइस कल भी ऑयल सील बना नहीं पाया। वैसे आज बनाना था मुझे ऑयल सील, लेकिन आज ब्लॉग एडिट हुआ और फिर आज भाई के साथ जाना भी था, इसलिए मैंने आज कैंसिल कर दिया ऑयल सील बनाना। ऑयल सील तो मैं अभी आज नहीं बनाऊंगा अपने औरा के, सिर्फ मैं कल बनाऊंगा जब कल वहां से आ जाऊंगा ना एक बार डेफिनेटली। अभी तो मुझे 8 बजने वाले आते आते, कल पक्का इसका ना ऑयल सेल्स ठीक करा लूंगा, बहुत दिनों से काम पेंडिंग है, और जो अटक गया है ना भाई अटक ही गया है, हो ही नहीं रहा पूरा। हाँ भाई मेरी गाड़ी पे नंबर प्लेट नहीं है, ऐसे तो पुलिस वाले तो वो लोग नहीं रोकेंगे क्योंकि ये काम होता है RTO वालों का, पर फिर भी डर तो लगता है ना भाई, इन्होंने मेरा काम ही नहीं करा। ओके तो तुम्हारा भाई ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आ चुका है, आई मीन मैंने अपने औरा को एक्सचेंज कर लिया है फॉर अ डे, हमेशा के लिए नहीं करा है क्योंकि उससे बहुत ज्यादा प्यार है मुझे। इसको मैंने सिर्फ ना अभी हॉस्पिटल जाके आने के लिए लिया है। मेन क्या है ना गाइज, अभी मुझे बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि R15 में क्या होता है ना, अक्सर एक छोटा सा पत्थर भी आ जाए ना तो भी ना बहुत डर लगता है कि भाई बहुत ज्यादा फील हो जाएगा, बहुत ज्यादा झटका लग जाएगा, क्योंकि उसका सस्पेंशन मैंने जैसे बताया आपको कि बहुत ज्यादा हार्ड है, वो फील कर देती है। और इस बाइक में ना आप स्पीड ब्रेकर भी निकल जाओगे ना तो भी फील नहीं होता, तो ये डिफरेंस बनता है, मतलब इतना बड़ा डिफरेंस बनता है दोनों के कम्फर्ट लेवल में। कम्फर्ट के हिसाब से ये बाइक ना भाई इसमें और R15 में जमीन आसमान का फर्क है। अभी मुझे कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, छोटे मोटे से जो डिप्स रहते हैं अप्स रहते हैं उन पे कोई ज्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसका सस्पेंशन बहुत ज्यादा सॉफ्टर साइड पर है तो अभी मैं बिंदास चल सकता हूँ। देखो ऐसे छोटे मोटे जो पैच रहते हैं ना ये फील भी नहीं होते इसमें तो, कि हमने जंप करे या फिर हम लोग ने ब्रेकर पे से बाइक ज्यादा स्पीड से निकाली है। जो मैं अपने औरा को 20-30 पे चला रहा था ना, ये मैं एटलीस्ट 40 पे चला पाऊंगा। तो समोर बगरे चुतिया
मन तो कर रहा था चमन मारदू पर, बोला जाने दो अभी भाई साथ में, थोड़ा इज्जत से निकल लेते हैं ना। हाँ आ गया एक छपरी। हाँ वैसे गाइस बाइक को मैं ज़्यादा भगाने नहीं वाला क्योंकि मुझे रिस्क लेना ही नहीं है, भले क्यों ना ये ज़्यादा सॉफ्ट हो, ज़्यादा कंफर्टेबल हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे भाई के हाथ को बिल्कुल भी धक्का लगे, क्योंकि उस बोन टूटी हुई थी, बोन क्रैक हुई थी, क्रैक नहीं मतलब ब्रेक ही हो चुकी थी, उसको जरा भी धक्का लगे क्योंकि वो वायर के सहारे पे रहे ना अभी, वो अभी तक ज्वाइंट नहीं हुई है टोटली, उसको ज्वाइंट होने के लिए तो बहुत टाइम जाने वाला है, चेक करने जा रहे कि प्रोग्रेस कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है, तो इसीलिए मैं बाइक को स्लो ही चलाऊंगा, ज़्यादा भगाऊंगा नहीं, एकदम आराम से चलाऊंगा, 30-40 एकदम मस्त से निकल जाएंगे। ये बाइक चला रहा ना एकदम डिफरेंट ही फील आता है, डिफरेंट वाइब आती है ये बाइक चलाने की, क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा है ना, सीट हाइट बहुत ज्यादा है इसकी, तो ऐसे लगता है आपने एकदम ऊंचाई पे बैठ के चल रहे हो। अभी कैमरा एंगल मुझे बिल्कुल पता नहीं है कि कैसा आ रहा होगा, क्योंकि मैं कैमरा एंगल मेरा जो सेट है वो R15 के हिसाब से सेट है, अपने ऑरा के हिसाब से सेट है, उसमें कैसे नीचे बैठना रहता है और अपनी गर्दन नीचे की साइड रहती है ना, तो कैमरा थोड़ा ऊपर की तरफ झुका हुआ रहता है मेरा, वही कैमरा एंगल अभी मैं एक्सपल्स पे शूट कर रहा हूँ, तो पता नहीं कैसा आपको व्यू आ रहा रहेगा, अगर गंदा आ रहा रहेगा तो माफ़ कर देना, सही होगा तो बढ़िया ही है, एडिट करते समय तो मुझे पता चल ही जाएगा, कोई नहीं। अभी मुझे इसमें फ्यूल भी डलाना है क्योंकि मैं मेरे यूज़ के लिए लेके जा रहा हूँ उसकी बाइक, तो मुझे फ्यूल भी डलाना पड़ेगा ना। ये क्या है भाई पेट्रोल पम्प खोद के क्यों रखा है, चलो कोई बात नहीं अगला पेट्रोल पम्प चलते। मुझे एकदम टिपटो करना पड़ता है, मेरे पैर सही से पहुंचते नहीं है इसे, हल्दो अभी पिलियन बैठा है साथ में तो जाके थोड़ी बाइक दबी हुई है, तो एटलीस्ट मेरे थोड़े से पैर पहुंच रहे हैं, वरना और भी ज्यादा दिक्कत होती है। नॉर्मल है ना, 300 का डालना, हाँ वाईफाई मार दो, जाड़िया कितने आलसी होते हैं ना लोग, चलो कोई नहीं। ओके गाइस तो हमारा रिफ़िल करके हो चुका है, अभी हमें जाने समथिंग 30-32 किलोमीटर आई गेस, और 30 किलोमीटर रिटर्न आना भी है, तो जर्नी तो आज की काफ़ी लंबी है, चलो फटाफट चलते हैं। और ना इस बाइक को मैंने इतना ज़्यादा पहले कभी चलाया ही नहीं है, लाइक चलाया हो तो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के लिए चलाया हो, तो इसका ज़्यादा बिहेवियर मुझे पता नहीं है। आपको पता है कि बाइक अगर नहीं होना तो ज़्यादा भगाने वगैरह नहीं चाहिए, अनटिल अनलेस आपको पता चले कि बाइक कैसा बिहेव करती है कॉर्नर्स पे, टर्न्स पे, और ऑफ रोड में, ऑन रोड पे, हाईवे पे, तो सब कुछ अच्छे से जानने के बाद ही बाइक को अच्छे से भगाना चाहिए। तो मुझे तो ज़्यादा आइडिया नहीं है इस बाइक का, मैं बहुत कम चलाया हूँ इस बाइक को, पर ट्रैफिक में हैंडल कर रहा इसका, क्योंकि हैंडल बार का पोजीशन अलग है ना, अपने ऑरा का आपको पता है, मतलब R15 V3 का आपको पता है कि क्लिप ऑन से और काफ़ी अग्रेसिव पोस्चर है, कंट्रोल बहुत ज़्यादा मिलता है, आपको पता है कि ये वाले हैंडल बार्स अलग है काफ़ी ज़्यादा अपने R15 से, तो मुझे आदत है उस वाले हैंडल बार्स की, इन हैंडल बार्स की मुझे आदत नहीं है, तो कंट्रोल भी मेरा इन पर कम है। लो भाई ट्रैफिक भी मिल गया हमें, ये हैंडल की मुझे आदत नहीं है इसलिए मुझे ना ट्रैफिक में थोड़ा इसको टर्न वगैरह करने अलग पड़ रहा है, मतलब थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है क्योंकि बिल्कुल ही आदत नहीं है मुझे इस वाले हैंडल बार इस पोजीशन की, हर तरह की बाइक सीखनी भी तो चाहिए ना। यही अगर मेरी ऑरा होती ना ऐसे जप करके निकाल देता, उस पर पूरा जजमेंट बैठा हुआ है ना, इस पर जजमेंट है नहीं अपने को, इसलिए थोड़ा आराम आराम से, चलो कोई बात नहीं, नॉर्मली सही था ट्रैफिक मस्त। ओके भाई फाइनली हम लोग निकल चुके हैं समाओ ट्रैफिक से बाहर, और अभी जाके थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि हेलमेट के अंदर जो घुटन होती है ना भाई गर्मी में, बता नहीं सकता आपको, गर्मी उसमें ट्रैफिक एक जगह पे खड़े रह के ना नेक्स्ट लेवल की घुटन होती है, पर हेलमेट तो भाई पहनना चाहिए सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हेलमेट तो हम पहन के रखे हैं। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो एक बार बाइक चालू होती है ना, चलने लगती है ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अच्छा खासा वेंटिलेशन हो जाता है, और वो एक जगह पे खड़ी रहना तो फिर थोड़ा सफोकेशन सा होने लग जाता है। 4:30 बज गए रहेंगे तो उस हिसाब से अभी धूप नहीं है उतनी कड़क, उतनी तेज़ धूप नहीं है, गर्मी थोड़ी कम लग रही है तो ठीक है, इतना प्रॉब्लम नहीं है, मैनेजेबल है। और अभी हम लोग ये भिवंडी बाईपास हाईवे पर, अगर नासिक जाना है तो यही रोड पीछे से सीधा सीधा चला जाता है नासिक, अभी हम लोग जा रहे हैं ठाणे की तरफ। सीरियसली मैन दिस बाइक इज़ टू कम्फर्टेबल, लाइक बहुत लाइट वेट मशीन है और बहुत कम्फर्टेबल है, और इसका सिटिंग पोस्चर भी बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है, और हाइट ज़्यादा होने की वजह से ना इसको चलाते समय फील भी अलग आता है, लाइक ऐसा लगता है कि आप बाकी गाड़ियों से ऊंचाई पर बैठे हो, और एक्चुअली में बैठे हो तो वो फील भी आता है। मेरे साथ बस अभी ये दिक्कत है कि ट्रैफिक में मैं थोड़ा उतना क्विक नहीं हो पा रहा हूँ। तो गाइस इन शॉर्ट मैं आपको बताऊँ तो ये बाइक ऑफर करती है कंफर्ट, ऑफ रोड के मज़े ले सकते हो, लॉन्ग राइड्स आप बिंदास कर सकते हो, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, ना बैक पेन आएगा, ना हाथ पे वजन आएगा, कुछ भी नहीं, और वही इसके जगह आपने R15 ऑफर करती है कॉन्फिडेंस और कंट्रोल, क्योंकि वो बाइक का जो सिटिंग पोस्चर है ना वो थोड़ा स्पोर्ट टाइप है, तो उस पर आप थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव जा सकते हो, ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है आपका चलाते समय। दोनों टोटली डिफरेंट मशीन से दोनों को चलाने का फील अलग है, वो बाइक आपको एकदम अग्रेसिव फील होगी, ये बाइक आपको एकदम कंफर्टेबल फील होगी, ऐसा लगेगा कि आप एकदम मस्त सोफे पे बैठ के चल रहे हो। आई हैव ऑलमोस्ट कवर 10 किलोमीटर्स एंड नाउ आई एम मोर कंफर्टेबल टू राइड दिस बाइक,
लाइक आई गॉट मोर कॉन्फिडेंस। आपको पता है कि जब नई मशीन आपके हाथ में आती है ना, तो उसको चलाते समय आपको उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता। थोड़ा चलाने के बाद ना बाइक से यूज टू हो जाते हैं, तो फिर थोड़ा हमें बाइक का बिहेवियर पता चल जाता है, तो उस हिसाब से हम लोग बराबर चला लेते हैं बाइक को, तो अब वैसा हो गया है। वैसे तो गाइस मैं लेने के लिए कौशिक से उसकी 250 भी ले सकता था मांग के, वो भी दे ही देता, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, बट कंपेरेटिवली ये थोड़ा ज्यादा कम्फर्ट ऑफर करती है, इसलिए मैंने ये वाली चूज करी और सोचा कि ये वाली लेके चलता हूँ। अभी अकेला अगर जाना रहता तो मैं अपने औरा से फिक्स जा सकता था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। फिर भी अगर मुझे ड्यूक 250, एक्सपल्स 200 और औरा में से चॉइस मिलती है नंबर वाइज थाने तक जाने के लिए बाइक्स की, तो मैं सबसे पहले चूज़ करूंगा एक्सपल्स 200, उसके बाद चूज़ करूंगा ड्यूक 250, उसके बाद चूज़ करूंगा अपनी औरा को कम्फर्ट के हिसाब से। R15 E3 सबसे लास्ट आ रही है कम्फर्ट के हिसाब से, समझ रहे हो भाई। एंड डोंट फील लाइक कि मैं अपने R15 की बुराई कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ अभी नहीं है। एक्चुअली मैं जो फैक्ट्स है ना वो बता रहा हूँ खाली। देखो उसको चलाने के लिए मज़ा ज़्यादा आता है, टोटली मज़े के लिए बहुत सही मशीन है, ट्रैक के लिए बहुत सही मशीन है, हाई स्पीड हाईवेज़ के लिए बहुत सही मशीन है, क्योंकि उसका सस्पेंशन बहुत स्टीफ है, तो उतना ही ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। उसको भगाने के लिए आप जितना मर्जी खींच लो आपको टेंशन नहीं होती है। अग्रेसिव सिटिंग पोस्चर है उसका स्पोर्ट्स वाला, तो आप लीनिंग वगैरह बहुत मस्त कर सकते हो उसमें, बिल्कुल ही टेंशन नहीं होती घाट वगैरह में चलाने के लिए उसको, पर कंफर्ट में वो लैक कर ही जाती है। और यहाँ पर मैं झूठ कह ही नहीं सकता, क्योंकि R15 E3 में कंफर्ट नहीं है, और ये तो डेफिनेटली होना ही है, क्योंकि वो एक स्पोर्ट्स मशीन है, स्पोर्ट्स बाइक है वो, तो एक स्पोर्ट्स बाइक में आपको कंफर्ट तो मिलने वाला है नहीं, वो तो भूल ही जाओ। कितना प्यारा व्यू दिख रहा है सिटी का ना। हाँ वैसे इसकी बाइक ना बहुत ज़्यादा स्मूथ लग रही है अभी, क्योंकि अभी रिसेंटली इसने सर्विस कराई है ना, तो बाइक का रिफाइनमेंट और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बाइक ज़्यादा स्मूथ लग रही है, वाइब्रेशंस कम दे रही है। गाइस ये वाला ब्रिज क्रॉस करके ना अलग ही फील आता है, ऐसे लगता है ना कि हम लोग सिटी में एंटर हो रहे हैं। अभी तक हम लोग किसी गाँव में थे और ऐसा लगता है कि हम लोग अभी सिटी में एंटर हो रहे हैं, क्योंकि देखो रोड ऐसा सीधा सीधा जा रहा है और दोनों तरफ देखो कितने बड़े बड़े टावर्स है। ये रुस्तम जी है और यहाँ पर आगे स्लोदा है। हाँ तो ऐसे लगता है कि हम लोग गाँव से सिटी में एंटर हो रहे हैं। गाइज जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्सपल्स 200 ऑफ रोड मशीन है, इसका असली मजा ऑफ रोड में लिया जा सकता है, हाईवेज में इसको लेकर थोड़ा डर है। एक्चुअली मैं ये किस लिए बोलता हूँ ना, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि हाईवे में इसे चला नहीं सकते, लेकिन क्या है कि इसका सस्पेंशन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो कैसा रहता है ना जब आप हाई स्पीड में रहते हो तब आपकी बाइक ना ज़्यादा हिलनी नहीं चाहिए, अगर ज़्यादा बाइक झूलेगी तो आपका ना बैलेंस बिगड़ सकता है और फिर एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। और गलती से भी आपने थोड़ा मोड़ा लीन कर जाना कि बाइक वन साइड ज़्यादा दब जाती है तो फिर बाइक वन साइड निकल जा सकती है, इसलिए मैं कहता हूँ कि हाईवेज पर यह बाइक उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करती, क्योंकि ऑफकोर्स ये बाइक बनी ऑफ रोड के लिए, तो भाई इसका असली मज़ा तो ऑफ रोड में आएगा ना। हाँ ये देखो मेरे पैर कैसे पोंछते हैं, हाइट काफ़ी छोटी है यार मेरी, हमेशा आप लोग पूछते रहते हो ना हाइट कितनी है, भाई मेरी 5.5 हाइट है। थर्ड लेन से आंटी सीधा टर्न मार रही है, क्या रहेगी बाबा बाबा, जब पता है वो साइड जाना है तो पहले लेन चेंज कर लो ना। खैर हाँ लड़कियाँ खास उधरने वाली है, आई मीन पापा की परिया। बंदा लगता है काफ़ी लॉन्ग राइड्स वगैरह करता है, काफ़ी अच्छी खासी मॉडिफाई कर रखी है इसने अपने BMW को, प्यारी लग रही है यार। फोटोज़ में उतनी अच्छी नहीं दिखती, फोटो में काफ़ी छोटी सी दिखती है, बहुत पतली सी दिखती है, इन पर्सन जो सामने प्रैक्टिकली काफ़ी अच्छा लुक है बाइक का, काफ़ी बड़ी और बल्की दिखती है बाइक। वैसे तो इसने मॉड्स भी काफ़ी सारे कर रखे हैं, जैसे क्रैश गार्ड डाला हुआ है, हैंडल बार चेंज करा हुआ है, तो बाइक का लुक और भी ज़्यादा प्यारा दिख रहा है। और पीछे हाँ पीछे आए गए स्टॉप बॉक्स रैक भी लगा रखा है। ओके भाई फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल, अभी फटाफट चलते हैं ऊपर और जाके चेकअप करा के आते हैं, मतलब फॉलोअप करके आते हैं, देखते हैं अभी एक्सरे वगैरह भी निकालना है हमें, तो पता चलेगा कि क्या प्रोग्रेस है, हड्डी कितनी जॉइंट हुई है कितनी नहीं हुई है, तो चलते हैं फटाफट। हाँ लेट्स गो। तो भाई फाइनली शाम के 7:15 बज चुके हैं, और एक बैड न्यूज़, मेरा फ़ोन का डिस्प्ले रिटर्न टूट गया, अभी डलाया था मैंने, रिटर्न टूट गया। हाँ नसीबी है ख़राब, पर फाइनली हमारा मतलब फॉलोअप हो चुका है, भाई ने प्लास्टर निकाल दिया काट के, पर अभी टेंशन है कि घर पे कैसे जाएगा, सपोर्ट अभी बिल्कुल रहा नहीं है, और जो रिस्ट का जो सपोर्ट रहता है वो तो निकल गया प्लास्टर के साथ, एक अलग से मिलता है तो वो मिला नहीं हमें, तो दूसरे मेडिकल में मिलता है, तो नहीं तो ऐसे ही जाना पड़ेगा, निकलते अभी यहाँ से।